हाल ही में खत्म हुए डेफ ओलंपिक से लौटे भारतीय दल से आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। इस बार भारतीय दल ने 16 मेडल जीते हैं, ये ऐतिहासिक रहा है भारतीय कंटिंजेंट के लिए। सुनिए प्रधानमंत्री ने उनसे मिलकर क्या कहा। श्री वीरेंद्र सिंह रेसलिंग जी। वीरेंद्र कैसे हो जी? बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? जी जी। बताइए अपने विषय में थोड़ा बताइए, देशवासी देखना चाहते हैं आपको। मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी पहलवान थे, मैंने उन्हीं को देखकर पहलवानी सीखी और वो गुण मुझ में आया और मैंने ये निरंतर प्रयास किया कि मैं बढ़ता रहूं। बचपन से ही मैंने अपने मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे पिताजी ने सपोर्ट किया और मैं वो पहलवानी सीखता चला गया और आज इस स्तर पे पहुंचा हूं। लेकिन पिताजी को और चाचा को संतोष है? नहीं, वो चाहते हैं कि मैं और करूं, और खेलूं, और बढ़ता रहूं, और तरक्की करता रहूं। कि जैसे जैसे देखता हूं कि जो हियरिंग समाज के लोग हैं वो आगे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि वो लोग जीतते जा रहे हैं, मैं भी हियरिंग लोगों के साथ खेलता हूं, मैंने भी उन्हें मात दी है और मैं सिलेक्शन में आया हूं, पर मैं सुन नहीं पाता था, इस वजह से मुझे निकाल दिया गया और मैं नहीं जा पाया और मैं इसके लिए बहुत पछताया, रोया भी। पर फिर मैंने बधे समाज में जब मैंने अंदर आया, मैं आया तो मेरी रोंगटे खड़े हो गए और मैं खुशी से मारे फूला नहीं समाया कि मैं जीत गया। जब मैं मेडल पहली बार जीता, ऐसे ही मुझे लगता था कि चलो छोड़ो, अब मैं क्यों हियरिंग समाज के पीछे जाऊं, अब मैं बधे समाज में ही एक नाम कमा सकता हूं और मैं उसको निरंतर आगे बढ़ सकता हूं। मैंने कई मेडल जीते 2005 में, उसके बाद 2007 में। पूर्णिया सिटी जानी ना। पूर्णिया सिटी हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।